क्या आपका वजन भी लगातार बढ़ता जा रहा है या आपका वजन भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम होने लगा है? क्या आपके माइंड में भी बहुत ज्यादा तनाव स्ट्रेस रहने लगा है? नींद आपको ठीक से नहीं आती, भूख आपको खुलकर नहीं लगती, कब्ज की समस्या रहती है और साथ में आपके अंदर बहुत ही हैवीनेस मतलब पाचन तंत्र आपका बुरी तरीके से खराब हो चुका है? आपकी त्वचा पे समय से पहले बुढ़ापा आता जा रहा है? क्या आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं और झड़ना शुरू हो गए हैं? अगर आप ये सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आंतों में चल रही है गड़बड़ी। आंतें हमारे शरीर में क्या काम करती हैं मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो इतना ही पसंद और इतना ही इनोवेटिव लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो एक लाइक होता है वो दिल से हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। इससे हमें कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन हाँ एक अंदरूनी ताकत मिलती है कि आप लोग जो हमें देख रहे हैं वो बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जानते हैं कि आंतों का हमारे शरीर में क्या रोल है। हम जो भी खाते पीते हैं उसका पाचन और अवशोषण प्रमुख रूप से छोटी और बड़ी आंत में होता है। यही सबसे अधिक पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और छोटी जो आंत होती है उसमें मिनरल, विटामिन और दूसरे तत्व। आंतों के बीमार होने से न केवल भोजन का पाचन बल्कि पोषक तत्वों का अवशोषण भी प्रभावित होता है। आंतों को बीमार बनाने के लिए कुछ बहुत जरूरी वजहें होती हैं, जैसे शरीर को जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा आप खाना खा रहे हैं। रात में आप बहुत ज्यादा हेवी खाना खाकर सो गए, सुबह का आपने नाश्ता नहीं करा, दिन का खाना नहीं खाया और रात को एक ही साथ काफी सारा खाना लेकर बैठ गए, उससे आपकी आंत पे लोड पड़ता है और वो गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जब आप अधिक तला भुना या मसालेदार खाना खाते हैं तो भी इससे आंतें आपकी खराब होने लगती हैं, उनमें गंदगी जमा होने लगती है, उनका प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। शारीरिक रूप से आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते, पूरा दिन आपका बैठने का काम है, आप सिर्फ खा रहे हैं और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे फिजिकली, तो आपकी आंतें खराब होने लगती हैं। आप बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं या आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे तो भी आपको ये सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि आंतों के गड़बड़ाने से हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले इसका इफेक्ट आपके हार्ट पे आता है, आपका हार्ट धीरे धीरे प्रॉब्लम करने लगता है, ठीक से काम नहीं करता, आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक जैसी समस्या आ सकती है। आपका जो मस्तिष्क है धीरे धीरे आपका मेमोरी लॉस होने लगता है अगर आपकी आंत में गड़बड़ी चल रही है, आपको चीजें रख के भूल जाते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, आप देखेंगे कि आपकी आंतें अगर खराब हो गई हैं तो उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप हर सर्दी गर्मी मौसम बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, क्योंकि आपकी आंतों में गड़बड़ी चल रही है। आपकी त्वचा पे समय से पहले आपकी उम्र नहीं लेकिन बुढ़ापा दिखने लगा है, आपकी त्वचा अजीब सी सूख गई है, बेजान सी हो गई है, सारी क्रीम सब कुछ लगा चुके हैं लेकिन फिर भी असर नहीं दिख रहा, तो आपकी आंत में गड़बड़ी है। आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होने लगे हैं, सडनली से आपके रेगुलर थे और अब इरेगुलर होने लगे हैं। जब हमारी आंतों में खराबी होने लगती है तो ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। हम जानते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या इलाज कर सकते हैं और इलाज के साथ हमें क्या इसके लिए आगे से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि हमारी आंतें ठीक रहें, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसका इलाज क्या है, आपने लेना है नीम की पत्तियां 10 से 12, उनको 2 ग्लास पानी में आप उबाल लीजिए। जब वो पानी आधा ग्लास या 1 ग्लास रह जाए तो आप उसको छान लीजिए, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालिए और उसके बाद उसको सिप सिप करके पीजिए। जैसे आज मंडे है आपने पिया तो आने वाले 2 दिन छोड़कर उसके बाद आप इसका दोबारा से सेवन करें, ऐसे आपको 3 बार पीना है। उसके बाद जब आपने 1 महीना इस तरह से पिया तो 1 महीने बाद आप इसका सेवन 15 दिन के गैप में करें, मतलब 15 दिन में 1 बार पिए, फिर 15 दिन में 1 बार पिए, क्योंकि नीम में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बॉडी को अंदर से क्लींस करती हैं, जितनी भी गंदगी जमा है आपके आंतों पे जितना भी लोड पड़ गया है उसको अच्छे से साफ करेगी। तो आपने पानी कब पीना है, सुबह खाली पेट पीना है, उससे पहले आपको मोशन जाना है, फ्रेश होने के बाद आपको उसको पीना है ताकि जितनी भी आपकी बॉडी की गंदगी है वो साथ के साथ रिमूव हो जाए। दूसरा तरीका बता देती हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर, ये मदर वाला एप्पल साइडर विनेगर इजिली आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। 1 चम्मच आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है, आधा ग्लास पानी गुनगुने पानी में मिक्स करना है, सुबह खाली पेट पीना है। आपको हफ्ते में इसको 1 दिन पीना है, ज्यादा नहीं पीना। ऐसा आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी आंतें जो हैं अच्छे से साफ हो गई हैं और जो आपकी ये प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होना शुरू हो गई हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए, आपको जो सुबह के टाइम में खाली पेट अजवाइन को उबालना है, 1 चम्मच अजवाइन को उबालिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस या अदरक भी ऐड कर लीजिए, बहुत हल्का सा अगर आप गर्मी में इसका सेवन कर रहे हैं तो। हफ्ते में इसको सिर्फ 1 बार लें और उसको खाली पेट पी लें छान कर, अजवाइन हो सके तो चबा भी लें, इससे आपकी बॉडी अंदर से बिल्कुल साफ और क्लींस हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखें। तो यहाँ पर थे ये 3 तरीके जो मैंने आपको बताए, इससे आप अपनी आंतों की सफाई कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात क्या है कि हमें क्या ध्यान रखना है जिससे कि हमारी आंतें जो है वो स्वस्थ रहें। आपको ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाना, तनाव जो है आपको बहुत ज्यादा आपके
पाचन तंत्र पे इफेक्ट करता है उससे आपको दूरी बनानी है। शारीरिक रूप से आपको नियमित व्यायाम या योगासन करना है। खाने को धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना है। दिन में 3 बार भरपेट खाने के बजाय कुछ कुछ घंटों में आप उसको खाते रहें। थोड़ा थोड़ा जब आप खाएंगे तो इससे आपकी आंतों पे उसका लोड नहीं पड़ेगा। और रोजाना जब भी आप उठते हैं सुबह, कम से कम आपको 3 से 4 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपके बॉडी में जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो निकल जाएंगे। इससे आपकी आंतें भी स्वस्थ रहेंगी और आप जीवन भर निरोग रहेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो बस वीडियो को जमकर करिएगा शेयर। ऐसे ही कुछ बेहतरीन और इनोवेटिव देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।